सोक करने पे या भूनने पे या बॉयल करने पे वो खराब हो जाते हैं, तो बेटर है अपन ऐसा करेंगे। नहीं तो कच्चा तो ये बड़े उससे स्प्राउट बहुत अच्छे से हाँ हाँ बड़े इंटरेस्ट के साथ। और जैसे स्प्राउट वगैरह हम दे रहे हैं ना, तो ये आप एक पोर्शन बनाने के इतना इतना ही देना है। देखिए हर किसी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग रहेगी। हम कहेंगे आप इनको 50 ग्राम दे, हो सकता है वो नुकसान कर जाए, हो सकता है जितना आप दे रहे हैं तो उसको आप फ्रैक्शन में डिवाइड करिए। कभी भी एक आइटम को बल्क में मत लेंगे कि हमें चने चले कहीं जाना है, चलिए आज चने डाल के चले जाते हैं, उनको अच्छी एनर्जी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा वो रखिए, सुबह हम थोड़ा सा देते हैं इनको, फिर दोपहर में थोड़ा घास वगैरह जो रहता है वो देते हैं, फिर शाम को फिर से चटर ये अपना मटर वगैरह है ये दे देते हैं। वो तो मैं आता हूँ तो मटर वो मेरे से छिलवाते हैं, मैं भी दे देती हूँ इनको, और फिर रात में थोड़ा सा चना और खाते हैं, स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं। उसके बाद में फिर नहीं, कल रात में मैंने फिर हे दिया था तब ये सो पाए थे। इनका सोने का टाइम क्या रहता है? 8 घंटे इनका ऐसा कुछ नहीं, खाएंगे सोएंगे खेलेंगे। दिन भर खाते हैं, दिन भर सोते हैं। जो जंगल में रहते हैं फ्री रहते हैं तो वो रात में ही जनरल सोएंगे, दिन में तो फूड सर्च के लिए निकलते हैं, या दिन में सोएंगे रात में बिल्कुल सुकून से खाना खोजेंगे। अभी तो अपने घर में है तो खाएंगे, पेट भर गया सो जाएंगे, एक दो घंटे सोए फिर उठ गए, ऐसा वाला रहता है। वो ये जंगलों में तो देखा है अक्सर कि शाम को 6-7 बजे ये इनको अपनी पॉटी जो है वो खा लेना चाहिए। हाँ खाना चाहिए, क्योंकि तभी वो कंप्लीट इनका न्यूट्रिशन होगा। अच्छा पॉटी, हाँ खाते तो देखा है इनको एक दो बार। किसको? ये खाते हैं दोनों, दोनों खाते हैं तो ठीक है। फिर भले 50% क्योंकि देखे ये मानिए कि जैसे वो कुक्ड फूड ही है, जो पोटी है उसके लिए कुक्ड फूड है, वो बॉडी ने उसको प्रिपेयर कर दिया न्यूट्रिशन के लिए, वो अगर चला गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और वो कुकिंग हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उसकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको वो उस एंजाइम्स होते हैं वो उसको तोड़ देते हैं और फिर वो उसको लेते हैं। और ज्यादातर ये हैबिट जो होती है अर्ली मॉर्निंग होती है, दिन का आपको चलिए कोई बात नहीं, लेकिन रात में के टाइम वो जो करते हैं ना और वो मॉर्निंग के टाइम फीड करते हैं। तो अपने को मॉर्निंग में कोई अलग से कुछ नहीं देना है? नहीं मॉर्निंग में आप ना मॉर्निंग टाइम पे आप ऐसा मत दीजिए कुछ। मॉर्निंग मतलब एकदम से 5-6 बजे तक नहीं, फिर बाद में 7-8 बजे रात में, जब शाम तक आप खाना दे दीजिए जो दे रहे हैं 12-11 बजे 12 बजे तक, इसके बाद आप रात में कुछ रख दीजिए, पानी बस रख दीजिए। तो क्या है, जब रात को पोटी करेंगे तो वो उसका पूरा दिन भर का न्यूट्रिशन रहेगा, उनको भूख लगेगी वो उसको ले लेंगे, है ना। मतलब जैसे मान लीजिए 4 बजे से 7 बजे 8 बजे तक कुछ मत दीजिए, तो वो उसी को खाएंगे, फिर आप दिन में दे दीजिए, खुद धीरे धीरे बनेगा जॉब होगा। क्योंकि एक टाइम तो अपने को ऐसे चाहिए कि वो कुछ भी ना मिले लेकिन वो वही ले लें, है ना। वही क्योंकि हम लोगों ने देखा है ना कि जंगल में क्या होता है, शाम को 7 बजे ये सो जाते हैं प्राय, और सुबह 6-6 बजे करीब 5 बजे करीब जो उनका सवेरा होता है फिर ये अपने खाने के लिए मतलब भागते हैं। अब वो तो देखिए नेचर ने उनको जैसा बनाया है और वो कंपटीशन करते हैं, नेचर से लड़ते हैं। ये तो क्या है ना, हाइब्रिड बनाए जाते हैं फिर वो कल्चर हो गए वैसे चल। तो इनका जो बॉडी सिस्टम है रेजिस्टेंस डिसीजेज के लिए इनका उनमें बहुत अंतर है, इनका उतना स्ट्रांग इम्यूनिटी नहीं होगी। इनको डेली खाना चाहिए, उनको एक दो दिन नहीं मिलेगा ना वो चला लेंगे काम, और उनको कुछ भी मिलेगा रफ एंड टफ सब खा लेंगे। वही बात है क्योंकि वो क्या भागते हैं, मेहनत करते हैं, और वो क्या है कि इसीलिए नहीं ये पूरा टाइम दिन में बाहर रहते हैं। बिल्लियों की वजह से बिल्ली है भाई। अब हम जब स्कूल ऑफिस के चक्कर में रहते हैं, ये काम में रहती हैं, कहीं दरवाजा खुल गया तो बंद रखते हैं। ऐसा भी करिए ना, बिल्ली के साथ जो बच्चे हैं ना थोड़ा सा उनको पास में आप रख के थोड़ा खेलने करके दोस्ती कराइए, बहुत दोस्ती हो जाती है। हाँ, तो क्या है ना, कई बार भी डर दूर होगा और ये भी बैठे रहते हैं यहाँ पर, तो हम देखते रहते हैं चुपचाप ऐसे। मैंने उस तरफ बिल्ली रहती, इस तरफ ही रहती। दरवाजे के बाहर अभी एक बार ऐसे ही हुआ, क्या है कि हमने कहा खोल के आ तो सकते नहीं, उसके इतनी तो हिम्मत नहीं है दरवाजा खोल के आ सके अंदर। नहीं तो बार मैंने ऐसे ही किया कि ये यहाँ बैठे थे दोनों और ये भी बैठे हुए थे, तो वही बात है कि रिलेशनशिप होना चाहिए इनमें दोनों में। बताइए क्या बात।
अच्छा, तो अभी मैं हूँ, अगर देख दिखाना है तो ला सकते हैं, अगर गुप्ता जी को दिखाना है तो आप शाम को 7 बजे ले आइएगा। हाँ हाँ, शाम को 7 बजे ले लीजिए, 7 से 8:30 के बीच आ जाइएगा जी। मैं 1 बजे तक रहूँगा, ठीक है। ये अल्फा अल्फा तो जबलपुर में कहीं नहीं मिली, नहीं ये हमने वहीं से अमेजान से ही मंगाई। फिर एक इनका फूड और आया है, लेकिन वो उसको बिल्कुल नहीं खाया। दिखा अब, जैसे ये अल्फा अल्फा भी है ना जी, ये भी प्रोटीन डाइट है, लेकिन देखिए ये क्या है ना, हे है, इसको हाँ, सुखा के बनाया गया है हाँ, इसका प्रोटीन का नेचर चेंज हो गया है। हाँ, तो आप देखिएगा ये प्रोटीन डाइट प्रोटीनेटेड है ना। तो वही मैं बोला प्रोटीन का फॉर्म चेंज, जैसे आपने ये भीगे हुए चने दिए तो वो जो उसमें प्रोटीन है वो बाइंड हो जाती है सोकिंग के बाद, भूनने के बाद, जैसे चना अपन खाते हैं भुना हुआ, तो प्रोटीन चेंज हो जाती है, थोड़ी उबले भुने में चेंज हो जाता है। घी नहीं देना इनको, नहीं नहीं घी नहीं, शुगर चल जाएगा, शुगर ऐसे नहीं, मतलब वो आप ग्लूकोज बोल रहे हैं ना, ग्लूकोज ये लग रहे हैं कि जैसे ज्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा थोड़ा सा डेफिशिएंट लग रहे हैं। हाँ, तो अपन ने थोड़ा सा दे दिया दोपहर के टाइम, जैसे हम ही लोग बाहर से घूम के आते हैं बहुत। डॉक्टर साहब इनको ये जैसे 7.5 ग्राम के हैं, 750 ग्राम के, तो इनकी डाइट कुछ कैलकुलेशन है क्या, कोई डाइट चार्ट है क्या, अगर आपके सर्च में मिल जाए कहीं भी। बढ़ भी गया होगा ना, अब तो बढ़ गया है, वही 750 थे जब आप लाए थे, नहीं अभी लग रहा है ऐसा, पहले तो बहुत हल्के थे। हाँ, तो ये 750 ग्राम के आसपास है, 1 केजी से तो कम है। 1 केजी से कम है, तो ये डाइट चार्ट में थोड़ा इनको बॉडी वेट के रिक्वायरमेंट। हाँ, क्योंकि जो लोग रखते भी है ना तो उनका शेड्यूल बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से भी इनको अपन हाँ, वो कर सकते हैं। जो मैं आपको लेबोरेटरी वाला बताऊंगा, जो कुछ दोस्त लोग हमारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो कितना क्या देते हैं। तो देखिए कहते हैं जिसे हम टोटल इस फील्ड पे डिपेंडेंट है, इसका जो इसकी गाइडलाइन कह रही है इसमें लिखा कि इतने ग्राम इतना इतना देना है, फिर हम अलग से कुछ नहीं देते। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, चने भी दे रहे हैं, तब तो इनका डाइट बढ़ रही है ना। और ये जो कंप्लीट फूड रहता है तो इसको अपन क्या करें ना, जो फिर इसकी गाइडलाइन कहती वो फॉलो करें, लेकिन हम अगर अदर सब्स्टिट्यूट भी दे रहे हैं तो फिर इसको कम करना पड़ेगा। ये देखिए ये बढ़िया पानी पी रहा, पी लो बेटा पानी पी लो, चिको पानी पी लो, पी लो, हाँ गुड गुड, इसको समझ में आता है इसको। हाँ, वो बिल्कुल लेजी है, लेथार्जिक उसको। ये भी एक बार डिवर्मिंग करते हैं। हाँ हाँ, मैं आपको लिख देता हूँ डिवर्मिंग, एक कागज दे दो सर को, डायरी दे दो वो, और ये मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी जी, सुभाष मेडिकल में, सुभाष मेडिकल इसके बाजू में कि उन्हीं के यहाँ मिल जाएगी। नहीं, इनके लिए अगर कोई ORS जो है वो अगर इनके लिए स्पेसिफिक हो तो वो दीजिए, क्योंकि ह्यूमन ORS और इसमें तो थोड़ा बहुत फर्क तो रहता है। निका वाला तो अभी नहीं है, तो फिर मैं इनको सर्च करके आपको बता दूंगा कि ये है जी, इतनी सारी चीजें आप स्पेसिफिक रैबिट्स के लिए लाए, तो फिर मैं वो भी आपको सर्च करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर लोग प्रिफर नहीं करते, तो फिर हमें भी इतना आइडिया नहीं, लेकिन उसको हम पढ़ते हैं तो वो आपको हम बताते हैं कि आप ये नहलाना नहीं है इनको अभी, ऐसा नहलाना नहीं है, जैसे थोड़ा 1-8 महीने में आप देख लीजिए और थोड़ा सा नहीं। ये जो यूट्यूब के जो पुराने यूट्यूबर हैं पालने वाले कहते हैं नहलाओ बिल्कुल मत, क्यों ऐसे नहीं, नहलाना तो चाहिए थोड़ा सा बड़े, क्योंकि देखिए किसी की बॉडी डस्ट डर्ट तो जमा होती है हाँ, तो वो आपने उसे नहलाना तो पड़ेगा। अभी कम से कम हो गए हैं 1.25 महीने के हम लाए थे, 15 दिन हो गए इसको, 20 दिन तो लगभग 2 महीने के हो गए, हाँ 2 महीने 10 दिन के, तो इनको थोड़ा स्मेल भी करते हैं तो नहलाना मैं सोचता हूँ ठीक है, थोड़ा पानी से डरते तो हल्की फुहार डाल देंगे, तो फिर उसको आपको ना फुहार डालेंगे ना तो क्या होगा, सूखेगा नहीं,
नहीं, उसको हमने यहाँ पे क्या किया था, हमारे पास वार्मर है, वार्मर के सामने बिठा दिया था दोनों को। ये थोड़ा सा और गर्मी, अभी गर्मी आ रही लगभग, तब नहलाएं, एक दो हफ्ते में अच्छी गर्मी आ जाएगी। अब पानी से एक बार आप पानी से नहलाइए, जब उसको कंफर्टेबल लगेगा ना, फिर आप शैम्पू यूज करें, ताकि इसको स्किन क्लीन करना भी जरूरी है ना, क्योंकि डस्ट डर्ट क्लीन नहीं होगी। तो मतलब नहलाना गलत नहीं है, नहलाना तो चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर इन्फेक्शन आएगा ना स्किन की, हेयर फॉल होंगे, फिर कई बार वो फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं। हाँ वही ना, वही मुझे लगता है कि वो कैसे बोलती है, यूट्यूब में कुछ भी दिखाते हैं, वो बोलती यूट्यूब में, फिर आप देखिए ना, जब भी बस कहीं सर्च करते हैं तो कोई ऑफिशियल साइट सर्च की है, कोई भी वीडियो बना के डाल देगा, इससे कोई नहीं नहीं, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब को ये यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ वीडियो, मतलब ये लोग कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि गीला कपड़ा करके फिर उनको ड्राई वॉश करो, महीने में एक आध बार तो आप नहलाना जरूरी हो, क्योंकि कोई साबुन वगैरह शैम्पू आते हैं इनके, आते हैं। अभी यहाँ पर जैसे इन जनरल हम लोग तो डॉग कैट वाले प्रेफर कर देते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक इनके आते हैं अमेजॉन पे आते हैं, कोई नहीं करता तो अवेलेबल भी नहीं, मैंने सोशल मार्केटिंग में अवेलेबल, मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन तो आपको सब मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगा आपको, नहीं मेडिकल में कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा, इनके साबुन वगैरह भी तो मंगा लेंगे, शैम्पू या जो भी कुछ है इनका, पर थोड़ा एज बढ़ने के बाद नहलाना, ये थोड़ा सा आलसी है, उस तरफ पर समझ नहीं आ रहा, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, एक दिन सोचा कि इनके गले में कुछ बांध दिया जाए छोटा सा, तो वो दोनों ने एक दूसरे का खींच के काट काट के निकाल दिया, अलग कर दिया। इनके दांत भी मजबूत हो रहे हैं, उसके लिए दीवार में कैल्शियम चाटते हैं, ये बिल्कुल दीवार में क्या कहना, इनके दांत कंटिन्यूअस बढ़ते रहते हैं, हाँ जो टीथ होते हैं दो, तो साइड के वो कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ च्यू करने के लिए चाहिए, जैसे आप रफेजेस देते हैं ना ये दांत, तो वो च्यू करते रहते हैं, क्योंकि रेबीज़ इनके दांत है कंटिन्यू बढ़ते, ये हो गए गिलहरी हो गए, कंटिन्यू दांत बढ़ते रहते हैं, चूहे के हो गए, इसीलिए चूहे में भी कुतरने की आदत होती है, इनकी भी कुतर कुतर के खाने की, कुतरते हैं, ये आप कुतर के खाने के नहीं देंगे तो कई बार होता है दांत उनका पेनिट्रेट कर जाता है, तो अपने को कुछ चीजें ऐसी देनी है कि जो कुतर कुतर के खाए, क्योंकि दांत तो डेली बढ़ना है उनको। एक दिन हमने आम के पत्ते तोड़ के दिए, वो भी बड़े इंटरेस्ट के साथ खाते, हमने कहा अपन आम है सबसे मेन वो है। अच्छा जैसे ये फीड रखती है ना, ये फीड को आप ना एयर टाइट कंटेनर में रखिए, क्योंकि इसमें ना फंगल बैक्टीरिया नहीं, क्योंकि हाईली न्यूट्रिशियस डाइट है, आपने ऐसे रख दिया थोड़ा सा भी उसे आप समझ नहीं पाएंगे, इससे मॉइस्चर चला जाएगा, यही हार्मफुल हो जाएगा, आप एयर टाइट कंटेनर में रखिए, जितना देना आप निकाल लीजिए, फिर से उसको रख दीजिए, क्योंकि देखिए ये तो कंपनी ने बनाया है ऐसा, लेकिन हम एयर टाइट में इसको रखना चाहिए। ये सब्जी ये ऐसी का ही है, घास आस का है, हाँ हाँ सब्जी का है, है तो वही, लेकिन क्या है ना, अभी एक दिन तो आप खत्म नहीं करेंगे, कम से कम 15-20 दिन महीने, आप कोई भी आर्टिफिशियल फीड देते हैं ना, हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही रखिए, क्योंकि आप रखे जैसे किचन में बहुत सारा सामान रखते हैं, आप लूज करके रख दीजिए, उसमें बैक्टीरिया फंगस की ग्रोथ ही है। हम्म।